सो गाइस यहाँ पे हमने पिछले वीडियो के अंदर टर्मिनल 5 को अपडेट पे लगाया था एंड अब जाके हमारा टर्मिनल 5 फाइनली अनलॉक हो चुका है। तो देख सकते हो मतलब इसमें हमको कितने दिनों का स्टार बोनस मिला है, 3 दिन के लिए मिला है, ठीक है, स्टार बोनस मिला है हमको, देखेंगे कितना लूट मिलता है। एंड उसी के साथ में रिसर्च बूस्ट मिला है एंड पावर बूस्ट भी मिला है हमको। तो ठीक है अभी देख लेते हैं हमको अभी क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ डायमंड मिल रहा है, 10 डायमंड हमने यहाँ से क्लेम कर लिया है एंड अभी हमको वॉर के अंदर भी अटैक करना है। तो सबसे पहले हम लोग बेस को क्लीन कर देते हैं क्योंकि समझ सकते हो गंदगी हमको मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बेस के आसपास। तो ठीक है हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लीन कर दिए हैं एंड रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर देते हैं डोनेशन की एंड डोनेशन भी हम लोग लेके आ जाएंगे बट अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड उसी के साथ में हमको आज फर्स्ट टाइम वॉर के अंदर भी अटैक करना है, तो देखते हैं वॉर के अंदर क्या चल रहा है। एक भाई को अटैक कर रहे हैं ब्रदर्स भाई, ठीक है करने देते हैं उनको, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एंड आज हम लोग फर्स्ट टाइम अटैक करने वाले हैं तो सबसे 15 का बेस देख लेते हैं, 15 के बेस के ऊपर कैसा क्या बेस है इसको देख लेते हैं हम लोग। बेस तो ऐसे ठीक है, इसको तो निकाल देंगे इजिली, 3 स्टार निकाल देंगे। अगर इसको भी नहीं निकाल पाए तो समझ सकते हो क्या किस्मत है हमारी। डोनेशन में देख लेते कुछ है या फिर नहीं है। अच्छा 10 है मतलब समझ सकते हो, मतलब लून्स होंगे इसके अंदर, समझ सकते हो 10 की स्पेस है तो लून्स ही होंगे ऑब्वियसली। तो ठीक है हमारी आर्मी रेडी है एंड हमने मतलब रिक्वेस्ट भी सेंड करी डोनेशन की, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ अपडेट पे लगा देते हैं क्योंकि टाउन हॉल 5 हमारा अनलॉक हो चुका है। तो हम लोग अपडेट पे लगा देते हैं जब तक हम लोग 1-2 मिनट के लिए वॉर के अंदर अटैक करेंगे, तो जब तक के लिए हमारे बिल्डर भी वापस से खाली हो जाएंगे। तो पहले हम लोग इनको अंदर करते हैं, ठीक है। मैं मतलब डोनेशन भी लेके आ चुका हूँ मेरे दूसरे आईडी से एंड अभी मैं यहाँ पे कुछ अपडेट पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये वीजा टावर को अनलॉक कर लेते हैं, ओके। एंड और देख लेते हैं और क्या खुलने वाला है हमको, और क्या फ्री का मिल रहा है। वॉल्स भी खोल लेते हैं, 25 वॉल्स मिल रही है हमको तो इनको भी खोल लेते हैं क्योंकि वॉल्स तो चाहिए ही होती है हमको। तो ठीक है इनको भी यहाँ से हम लोग अनलॉक कर लेते हैं सिंपल सा, ओके। एंड और देखते हैं और क्या मिल सकता है हमको, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा गाइस। आर्मी कैंप को भी अनलॉक कर लेते हैं हम लोग, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, अभी तो बहुत कुछ मिलना बाकी टाउन हॉल 5 के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे बॉम्ब को भी खोल लेते हैं, दोनों बॉम्ब, ओके, बॉम्ब को भी हमने अनलॉक कर लिया है। एंड और क्या मिल रहा है, एयर बॉम्ब को भी खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है इनको भी खोल लिया हमने। मतलब सब कुछ खोलना है हमको टाउन हॉल 5 का, जो भी हमको थिंग्स मिल रही है यहाँ पे। कैनन को भी अनलॉक कर लेते हैं, 10 सेकंड के अंदर अनलॉक होगी हमारी कैनन। एंड और किसको खोले, एलेक्जर कलेक्टर को खोले, ओके। तो थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा हमको, चलो थोड़ा सा वेट कर लेते 2-3 सेकंड, ओके खत्म हो चुके हैं 2-3 सेकंड में। मतलब क्या टाइम लगता है 2-3 सेकंड में समझ सकते हो आप। तो ठीक है हमने यहाँ पे अभी अनलॉक होने देते, जब तक के लिए हम लोग वॉर के अंदर अटैक कर लेते। तो देखते हैं हमारा नंबर कहाँ पे है इस बेस के अंदर, मतलब इस वॉर के अंदर देख लेते हैं। हमारा नंबर तो 13 पे गाइस, लेकिन हम तो नीचे करने वाले थे अटैक, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 13 पे ही करेंगे हम लोग। चाहे हमारा छोटा अकाउंट है लेकिन समझ सकते हो दम बहुत है हमारे अंदर। तो ठीक है हम लोग 13 के ऊपर ही करेंगे, 12 का बेस देख लेते और हो सके तो 12 के ऊपर भी कर देंगे। तो ठीक है गाइस 12 के ऊपर ही करते हैं हम लोग अटैक, ओके, सिंपल सा अटैक कर देते। मतलब देख सकते हो बेस इतना नूब है तो मैंने मतलब सोचा ही नहीं अटैक करना है या नहीं करना है, सिंपल सा मैंने अटैक कर दिया। सबसे पहले देख लेते सीसी में से, मुझे पता था लून्स निकलेगा इसलिए मैं आर्चर लेके आया था ज़्यादा। तो लून्स को इधर बुला लेते हम लोग एंड इसको हलवा देते, मतलब आर्चर छोड़ देते उसके पीछे थोड़ी बहुत, ताकि मतलब लून्स को आर्चर डाउन कर सके। तो ठीक है गाइस, मतलब लून्स जल्दी जल्दी मर जा लून्स, फिर हम लोग हमारी बाकी की पार्टी को भी निकाले यहाँ से। तो ठीक है हमने इधर साइड से हमारे जाइन छोड़ दिए। एनसीसी में हम लोग क्या लेके आए, मैं खुद भूल चुका हूँ सीसी के अंदर शायद लून्स तो ना निकल जाए। मैं क्या लेके आया हूँ, अरे मेरे पास में जाइंट है, मैं भूल गया था, मुझे लगा कि लून्स लेके आ गया इसलिए मतलब मैंने वेट कर लिया। चलो गाइस अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं मतलब इतना भुलक्कड़ हो चुका हूँ कि अभी मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलो अभी हम लोग इनको भी ड्रॉप कर देते हैं एंड फाइनली हमारा बेस यहाँ पे 15% निकल चुका है एंड बहुत जल्दी 100% भी हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, 1 मिनट के आसपास 100% भी निकल जाएगा। तो ठीक है गाइस, ओके, तो हमने इनको मतलब इनको भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब जो आर्चर बचे थे 2-3, तो इनका क्या चार डालेंगे, इनको भी छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको भी हमने यहाँ पे छोड़ दिया एंड 38% हमारा बेस यहाँ पे निकल चुका है। अभी कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि जो इसमें मेन चीज़ें थी वो तो सब कुछ जा चुकी है। तो बता सकते मतलब क्या दिक्कत है अभी हमको, कुछ नहीं होने वाली दिक्कत, ओके। तो 56% निकल चुका हमारा बेस एंड देखते देखते 100% भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो मज़ा आ जाए यार, क्योंकि समझ सकते हो हमको बहुत जल्दी रहती है इसको 3 स्टार करने की। तो अभी देखते हैं एंड गाइस मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना कि आपको इस सीरीज के अंदर मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कुछ नया ट्राई करें क्या आप, मतलब ये भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर कुछ नया ट्राई करना है हमको क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैन का हमको फुल एक्सपीरियंस है। आपको अगर आपका एक क्लैन है तो आप चाहते हो कि उसको हम लोग ग्रो करें तो उसका मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, ओके। तो 97% एंड फाइनल इस बेस पे हमने 3 स्टार कर दिया है, ओके। तो इस बेस पे तो हमने यहाँ पे 3 स्टार निकाल दिया है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से आर्मी को ट्रेन पे लगा देते हैं एंड डोनेशन की रिक्वेस्ट भेज के डोनेशन लेके आते हैं हमारे दूसरे अकाउंट के अंदर से, ठीक है। तो अभी हम लोग उससे पहले क्या करें, हम लोग
ओके, डोनेशन की रिक्वेस्ट हमने भेज दी एंड डोनेशन लेके भी हम लोग आ जाएंगे थोड़ी देर बाद में। तो चलो गाइस, पहले हम लोग यहाँ पे बेस देख लेते हैं किस बेस को हमको फोड़ना है नेक्स्ट टाइम। तो ये वाला बेस फोड़ेंगे गाइस, ये वाला बेस मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसको ही फोड़ेंगे हम लोग। और देख लेते हैं, ओके इसको ही फोड़ेंगे 13 नंबर के बेस को। तो अभी चलते हैं वापस से व्यू मैप पे क्लिक करते हैं एंड होम पे चलते हैं एंड अभी कुछ अपडेट्स पे लगा दे क्या। पहले हम लोग हमारी आर्मी को देख लेते हैं, आर्मी की रिक्वेस्ट भेज दे। अभी हम लोग रिक्वेस्ट तो हमने पहले से ही भेज दी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये सब भी अनलॉक कर लेते क्योंकि टाउन हॉल 5 का हमको सभी थिंग्स अनलॉक करना है एंड जल्दी जल्दी टाउन हॉल 5 भी मैक करना है, टाउन हॉल 6 पे भी चलना है क्योंकि टाउन हॉल 5 पे थोड़े ना बैठे रहेंगे, हमको आगे और ग्रोथ करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ठीक है गाइस, ये सब भी हम लोग यहाँ से अनलॉक कर लेते हैं एंड एक और बिल्डर हमारा खाली है तो देख लेते हैं। लेबोरेटरी मिल रही है क्या, स्पेल फैक्ट्री है, इसको भी हम लोग अनलॉक कर लेते हैं क्योंकि स्पेल भी हमको खुलने वाली है अभी टाउन हॉल 5 के अंदर, तो वो तो मेन होती है, उसके बिना तो हम लोग अटैक मतलब 3 स्टार कर ही नहीं सकते, कर देते वैसे लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ सकते हो। एंड ट्रेजरी में से हमने फिर से यहाँ पर निकाल लिया है हमारा जो भी पैसा था वो सब हमने निकाल लिया है एंड अब किसको अपडेट पर लगाए गाइस देख लेते हैं। अभी किसको लगाना चाहिए, लेबोरेटरी को लगा देते क्योंकि लेबोरेटरी में भी हमको जल्दी जल्दी मैक्स करना है, तो लेबोरेटरी को भी हमने अपडेट पर लगा दिया है। मतलब हमारे तीनों बिल्डर अपडेट पर लग चुके हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, लेबोरेटरी जो कि लगा है 2 घंटे के लिए एंड हमारा जो स्पेल फैक्ट्री वो भी 2 से 3 घंटे के लिए लगा है अपडेट के लिए। तो इन सबको अपडेट होने देते हैं एंड फिर से हमारा स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो वेट करो थोड़ा सा। ओके गाइस, तो हमारा जो जो हमने अपडेट पे लगाए थे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए 2 से 4 घंटे के लिए, तो वो सब हमारे अनलॉक हो चुके हैं एंड फिर से हमको मतलब हमारे तीनों बिल्डर वापस से मिल गए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी देख ले सबसे पहले गंदगी को साफ करते हैं क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको घर के आसपास गंदगी अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती है ना, मुझे पता है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे लेबोरेटरी पे सब कुछ लगा दिया, तो लेबोरेटरी पे अभी हम लोग ट्रूप्स को भी लगा देते हैं। किसको लगाए, सबसे पहले हम लोग बारबेरियन को लगा देते गाइस क्योंकि बारबेरियन से ही हम लोग ज़्यादा अटैक करते हैं, या फिर आर्चर को लगाए। किसको लगाना चाहिए, आर्चर को लगा देते क्योंकि आर्चर भी बहुत अच्छा ट्रूप से एक। ठीक है, हमने आर्चर को लगा दिया अपडेट पे एंड अभी भी हमारे मतलब तीन बिल्डर तो खाली है हमारे पास में, खाली रहेंगे वो। तो अब मतलब थोड़ी बहुत वॉल्स को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इन सबको लेवल 5 का करने का ट्राई करेंगे आज अगर हो जाए तो। एक दिन में तो संभव नहीं है बट 1-2 दिन में संभव हो जाएगी, एक दिन में संभव नहीं है बट 1 दिन जरूर संभव होगी। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत वॉल्स को यहाँ पे अपडेट पे लगा दिया है एंड अभी हम लोग चलते हैं एक अटैक के लिए एंड आर्मी रेडी नहीं है, डोनेशन लेके आना मुझे। ठीक है, ओके गाइस, डोनेशन लेके आ चुके हैं हम लोग एंड अभी चलते हैं एक अटैक के लिए। तो भाई साहब, ये बकरा हमको मिला है, बहुत ही स्ट्रांग बेस लग रहा है मुझे देखने में, तो चलो इस पे ही 3 स्टार करने का ट्राई करेंगे, अगर मिल जाए तो देख सकते हैं भगवान की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं क्लैन कास्टल के पास में एक बारबेरियन, सीसी में से कुछ भी नहीं निकला, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है आज के लिए। तो एंड अभी हमारे इस साइड से आ जाएंगे सभी के सभी जायंट्स एंड पीछे से आ जाएंगे हमारे सीसी के भी जायंट क्योंकि सभी को छोड़ना, जायंट्स को एक साथ छोड़ना है। एंड अभी हम लोग थोड़े आर्चर को यहाँ पे फैला के छोड़ देते हैं ताकि हमको मतलब आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने कुछ आर्चर एंड कुछ बारबेरियन को भी ड्रॉप कर दिया है। बलून कब छोड़ेंगे आपको पता ही है, जब तक ये एयर डिफेंस नहीं जाएगा, ये हमारा मुंह देख ही रहा है, तो जब तक ये नहीं जाएगा जब तक हमारे बलून भी नहीं जाएंगे, समझ सकते हो। इनकी जीत है तो हमारी भी जीत है, तो अभी जल्दी जल्दी मारो जॉइंट एंड इसको ख़त्म करो इस एयर डिफेंस को, फिर हम लोग हमारे बलून का भी यहाँ पर स्पैमिंग करेंगे। ओके, तो ये जल्दी जल्दी जा चुका है। ओके, ये चला गया हमारा एयर डिफेंस। अब इस साइड से आ जाएंगे हमारे सभी के सभी बलून छोड़ देते, एक इस साइड से छोड़ देते, अभी जो ट्रूप्स बचा है इन सबको भी यहाँ पे छोड़ देते क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा अटैक कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर समझ सकते मतलब हमारा टाइम थोड़ा बहुत सेव हो जाएगा, तो वो हमको मतलब आगे जाके काम देगा। ठीक है, तो 65% हमारा बेस यहाँ पे निकल चुका है, इजीली 75% निकल गया, तो अभी तो मुझे कोई भी दिक्कत की बात नहीं लग रही गाइस, देख सकते मतलब क्या ही सीन दिख रहा है आपको यहाँ पे। एंड लूट भी थोड़ी बहुत अच्छी थी यहाँ पे एंड हमको जो मिलने वाला है, क्या नेम था उसका, स्टार बोनस मिलने वाला है हमको। ठीक है, तो अभी हमारा टाउन हॉल 5 अनलॉक हुआ तो स्टार बोनस मिलेगा ना, तो उसमें भी हम लोग वॉल्स को आज ट्राई करेंगे कि मतलब मैक्स कर ले लेवल 5 तक का, बट होगा नहीं लेवल 4 तक का तो कर ही लेंगे। अभी नहीं मिला मुझे, अच्छा 2 स्टार और चाहिए, तो ठीक है फिर से आर्मी को लगा देते हैं ट्रेन के लिए। एंड अभी हमारी आर्मी कब तक रेडी होगी देख लेते गाइस, 5 मिनट बाद हमारी आर्मी रेडी होने वाली है, मतलब 5 मिनट बाद ही हम लोग यहाँ पर अटैक कर पाएंगे, तो फिर क्या करेगा इस 5 मिनट का अभी वेट कर लेते हैं। सो जब तक के लिए हम लोग यहाँ पर हमारे जो बिल्डर बच्चे उनको भी अपडेट लगा देते है एंड 5 मिनट तक हम लोग फिर से अटैक करेंगे 5 मिनट बाद। स्पेल भी मिल चुकी है बट स्पेल तो कोई काम की नहीं, लेवल 1 की, नहीं सॉरी लेवल 2 की है, मुझसे मतलब गलती से मिस्टेक हो जाती है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं वैसे। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने थोड़े बहुत जायंट्स लगा दिए एंड थोड़े बहुत बलून्स भी लगा दिए हैं, अभी हमारी आर्मी बिल्कुल सही हो गई। और क्या लगाए, थोड़े बहुत और जायंट ले, ओके 2 जायंट और ले लिया हमने एंड स्पेल में तो हमने सब कुछ लगा दिया है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे कुछ बिल्डर को भी अपडेट पर लगा देते हैं, देखते हैं किस पर लगाना ठीक रहेगा। तो कुछ वॉल्स को अपडेट कर लेते गाइस। ठीक है, हम लोग एलेक्जर के साथ में सोने की वॉल हो चुकी, देख सकते हो मतलब सोने की वॉल कितनी प्यारी लगती, देख सकते हो मतलब क्या ही सीन है सोने की वॉल का। तो सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।
तो चलो गाइस थोड़ी बहुत वॉल्स को और अपडेट कर लेते, क्योंकि सोने की वॉल्स बहुत अच्छी लग रही है, समझ सकते हो सोना कितना कीमती है आजकल। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने थोड़े बहुत वॉल्स और अपडेट कर लिए, एंड अभी तो हमारे पास में पैसे भी खत्म हो चुके हैं, अभी और वॉल्स अपडेट भी नहीं कर सकते। एंड अभी चलते हैं अटैक के लिए, बट अटैक के लिए भी देख सकते हो अभी हमारे पास में 4 मिनट बाकी, 4-6 मिनट बाकी है, एंड डोनेशन की रिक्वेस्ट भी मैंने सेंड कर दी। तो ठीक है गाइस, 5 मिनट बाद मैं आता हूँ वापस से, एंड फिर से अटैक करेंगे, एंड फिर से हम लोग इन्जॉय करेंगे, एंड आगे का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके सो 5 मिनट बाद मिलते हैं। ओके गाइस, सो 5 मिनट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं इतना जल्दी। ठीक है, तो 5 मिनट कंप्लीट हो चुका, आर्मी हमारी रेडी है, डोनेशन भी लेके आ चुका हूँ मैं। तो चलो गाइस अभी चलते सीधा एक अटैक के लिए, और क्या देख सकते हैं और कर भी कह सकते हैं हम लोग। ओके गाइस, सो ये बकरा हमको मिला है, बहुत ही शानदार है, देख सकते हो मतलब 1,00,000+ है इसमें एलिग्जर, फर्स्ट टाइम इतना मतलब एलिग्जर मिला है हमको यहाँ से। सबसे पहले सीसी में कुछ भी नहीं है, इस साइड से छोड़ देंगे हमारे सभी के सभी जायंट्स, देख सकते हो मतलब क्या ही किस्मत है। एयर डिफेंस भी हमारे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, मतलब वो खुद सोच रहा है कि आ बेल मुझे मार, मतलब ऐसा बोलना चाहता है वो हमको कि आ बेल और मुझे मार दे। चलो गाइस, एयर डिफेंस जाने ही वाला है, फिर हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग हमारे दो ये छोड़ देते हैं, क्या नाम था इसका, लाइटिंग स्पेल, ठीक है इनको भी छोड़ दिया, एंड बलून भी छोड़ देते हम लोग विचार्ड एंड आर्चर टावर के साइड से। एंड अभी जो हमारे पास में आर्चर एंड बारबेरियन बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे ड्रॉप कर देते हम लोग, थोड़ा सा फैला के छोड़ देते कहीं ना कहीं पे, ताकि जल्दी जल्दी ये बेस भी निकल जाए, एंड फिर चले हमारे बिल्डर को अपडेट करने के लिए, क्योंकि बिल्डर अपडेट करना बहुत एक्साइटेड लगता है, क्योंकि समझ सकते हो अभी टाइम भी बहुत कम लगता है, एंड आगे जाके जब हम लोग टाउन हॉल 11 से आगे जाते हैं ना, तो फिर हमको पता चलता है कि बिल्डर अपडेट करना कितना मजा आता है, फिर समझ सकते हो 5 से 10 दिन का हो जाता है, एंड टाउन हॉल 14 पे समझ सकते हो 15 से 20 दिन का भी हो जाता है, और 25-30 दिन का भी हो जाता है। आप लोग बताना आप लोग कौन से टाउन हॉल के ऊपर पहुंचे हो अभी तक इस सीरीज के अंदर, एंड आप लोगों ने भी सीरीज स्टार्ट कर दिया होगा शायद मेरे साथ साथ में। ओके गाइस, सो हमने सभी ट्रूप्स यहाँ पे छोड़ दिए हैं, एंड गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर ये कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आप लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया या फिर नहीं किया, सीरीज नहीं मतलब आप लोग ने भी एक न्यू टाउन हॉल स्टार्ट किया या फिर नहीं किया मेरे साथ साथ में। एंड अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी जल्दी अपना टाउन हॉल 1 से एक और आईडी स्टार्ट करो, एंड मेरे वीडियो डेली का डेली देखना, क्योंकि ऐसे ही आपको अपडेट्स करना है। एंड अगर आप क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर न्यू हो तो फिर तो आपके लिए बहुत ही समझ सकते हो एक मतलब क्या बोलते हो मैजिक टाइप का है, समझ सकते हो गॉड टाइप का है, ठीक है भगवान है ये मतलब ये वीडियो, तो आपको मतलब पूरी यहाँ पे जो सीरीज है उसको अच्छे से देखना है, अच्छे से उसको फॉलो करना है, आप मतलब बहुत प्रो बन जाओगे सीओसी के अंदर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो गाइस फाइनली इस बेस पे हमने 3 स्टार कर दिया, एंड हमको 8,00,000 का मिल चुका है बोनस, यानी कि स्टार का बोनस मिल रहा है, 5-स्टार बोनस, क्योंकि समझ सकते हो अभी अभी हमने टाउन हॉल 5 अनलॉक किया है, तो इनको अभी हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो सभी को हम लोग सबसे पहले क्लेम कर लेते हैं, एंड सबसे पहले हमको वॉल्स अपडेट करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वॉल्स को ही अपडेट करेंगे गाइस, पूरी लाइन को कर देते एक साथ में, ठीक है। ये भी सोने की हो चुकी है, अभी चांदी की थी ये, तो हमने इनको सोने का कर दिया, ठीक है, थोड़ी बहुत वॉल्स को और सोने का कर देते हैं, मतलब सभी वॉल्स को ट्राई करेंगे आज के आज सोने की हो जाए, और नहीं होगी तो नेक्स्ट वीडियो तक तो हम लोग मैक्स भी कर लेंगे टाउन हॉल 5, ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे थोड़ी बहुत वॉल स्कोर अपडेट कर लेते हैं, जितना जल्दी मैक्स होगा उतना जल्दी हमारे लिए प्रॉफिट है, तो ठीक है थोड़ी बहुत वॉल स्कोर कर लेते हैं, 2-4 वॉल्स और देख लेते हैं, और कौन सी वॉल्स को करें गाइस, और वॉल्स को कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास में पूरी ट्रेजरी भरी है, समझ सकते हो। ओके फिर से निकाल ले ट्रेजरी में से, क्योंकि ट्रेजरी तो हमारे लिए मतलब भगवान टाइप का है, जब चाहे जब निकाल ले, लेकिन सेव भी करना पड़ता है, अभी खत्म हो चुका है ट्रेजरी, तो अभी मतलब किसी काम का नहीं है ये, बट हम लोग इसको ऐसा नहीं बोल सकते। तो थोड़ी बहुत वॉल स्कोर अपडेट कर लेते हैं, एलिग्जर भी हमारे पास में अच्छा खासा है, तो एलिग्जर के मतलब खत्म हो चुका है, अभी हमारे पास में गोल्ड एलिग्जर सब कुछ खत्म हो चुका है ट्रेजरी के अंदर, तो अभी बिल्डर को अपडेट लगा देते गाइस, वरना बाद में पता चला कि सभी खत्म हो जाए, बिल्डर हमारे ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एयर डिफेंस लगा देते हैं, 1, 2, 3 गो। ओके गाइस, हमारा एयर डिफेंस लग चुका 16 घंटे के लिए, तो 16 घंटे बाद हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करेंगे सीरीज को, एंड और देखते हैं और क्या लगाना अपडेट पे, एक आर्मी कैंप को लगा देते हैं, ये कितने टाइम के लगेगा, ये भी 8 घंटे के लिए लग चुका है। ओके गाइस, एंड एक और बिल्डर बच्चा है, तो इसको देखते हैं इसको किस में फंसाना चाहिए हमको, देख लेते हैं, इसको आर्चर टावर में लगा दे, नहीं आर्चर टावर में तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, देख सकते हो क्या लगा है, किस पे लगाना ठीक रहेगा इसको, वॉल्स को अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि पैसा भी हमारे पास में अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है, इसको तो लगा देंगे कहीं ना कहीं, एंड आज हमारी मतलब सारी वॉल्स नहीं हो पाएगी लेवल 5 की, मुझे नहीं लगता मतलब एक वीडियो के थ्रू हो जाएगी, ठीक है, मतलब एक टाइम में तो थोड़ी ना मैक्स होती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मैक्स कर लेंगे हम लोग इसको भी। तो ठीक है गाइस, सभी वॉल्स को अपडेट कर लेते हैं, अगर हो जाए टाउन हॉल मतलब टाउन हॉल क्या लेवल 5 तक की हो जाए तो अच्छी बात है, अभी रहने देते हैं। यहाँ से भी हम लोग एलिग्जर को कलेक्ट कर लेते हैं, अभी हमारे पास में सब कुछ मतलब पैसा वेस्ट हो चुका है, मुझे फिर से अटैक करना पड़ेगा, फिर से जाके मुझे मतलब पैसा सेव करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, हम लोग एक और बिल्डर को अपडेट पे लगा देते हैं, अभी देख लेते हैं एक और बिल्डर को कहाँ पे रखना अपडेट पे, तो एक और बिल्डर को किधर रखे गाइस, देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा अपडेट पे लगाने के लिए, क्या मिल सकता है
तो देख लेते हैं यहाँ पे किस में लगाना ठीक रहेगा। एलेक्जर कलेक्टर पे लगा देते गाइस, क्योंकि स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके गाइस, तो तीनों बिल्डर अपडेट पे लगा दिए हैं, तो आज के फिलहाल इतना ही, एंड बाकी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। मैंने चैनल पे पहली बार आए हो तो क्या कर रहे हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही हम लोग सी से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। ओके, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।